हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेन जडे में आज मैं एथिक्स के क्वेश्चंस की शुरुआत करने वाला हूं और सबसे पहला सवाल जो आपके लिए लेके आया हूं आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं आउटलाइन द डिफरेंस बिटवीन मैनिपुलेशन एंड एंडुएशन विच क्वालिटीज कैन हेल्प सिविल सर्वेंट्स बी मोर कंडक्ट तो जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं मॉरल एटीट्यूड पॉलिटिकल एटीट्यूड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड तो उसमें persuasion एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अब इसमें ना कॉन्सेप्चुअली आपसे पूछा गया है कि परजुएशन और मैनिपुलेशन में क्या अंतर है क्या डिफरेंस है और इसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सिविल सर्वेंट्स को ऐसी कौन सी क्वालिटीज चाहिए जिससे वो परजुएजिव बन सकता है मतलब एक सिविल सर्वेंट में कौन सी ऐसी क्वालिटीज हो जिससे वो बन सकता है तो, 10 marks, 150 में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम करते हैं हर एक क्वेश्चन में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सिंपली हो सकता है दोनों टर्म्स को डिफाइन करना देखो सिंपल सी बात है मेन्युपुलेट करने का और जुएट करने का ऑब्जेक्टिव एंड गोल हो सकता है सेम हो यानी कि किसी व्यक्ति का किसी कार्य के प्रति किसी काम के प्रति उसका एटीट्यूड बदलना ताकि वो एटीट्यूड बिहेवियर में ट्रांसलेट हो है ना तो आप क्या करते हो आप उसके एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करते हो लेकिन जो एथिकल तरीका है वो है परसुएशन का और जो अनएथिकल या नॉन एथिकल तरीका है वो है मैनिपुलेशन का आइए देखते हैं कैसे मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग समवन इन अ डिसेप्टिव और कोर्सिव मैनर ऑफन फॉर पर्सनल गेन एंड विदाउट द इन्फॉर्म्ड कंसेंट जबकि Persuasion की जब बात आती है, है, तो persuasion, एक के 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 बेस पे, emotional अपील के बेस पे, के बेस पे, emotional बेस पे पे, पे यानी आपके या दोनों काम कर सकता है, और अल्टीमेटली दूसरे को इंफॉर्म्ड डिसीजन करने पे मजबूर करता है करना मजबूर है इसने भी दे पर्सन टू फील परसुएटेड बट यहां पे ट्रांसपेरेंसी होती है एथिकल गाइडेंस के हिसाब से काम करना होता है और कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं करना होता है तो जब आपने डिफरेंस बताना है तो टेबुलर फॉर्म से बढ़िया कोई और रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है आप बताएंगे कि मैनिपुलेशन जनरली अनएथिकल होता है लेकिन परसुएशन जनरली एथिकल होता है क्योंकि ये अपने पर्सनल गेन के लिए या इगोइज के लिए नहीं किया जा रहा है खैर मोटिव जब आप बात करते हो डियंटोलॉजिकल uh, एथिक्स की वेन यू टॉक अबाउट डियोटोलॉजिकल एथिक्स की तो उसमें यह कहा जाता है कि आप कोई चीज इसलिए कर रहे हो इसलिए कोई चीज एथिकली करेक्ट है क्योंकि इन इट्स नेचर इट इज अ गुड एक्ट है ना या आपकी ड्यूटी है वो एक्ट करना बट जब हम टीलियोलॉजिकल एथिक्स की बात करता हूं यानी कि आउटकम बेस्ड एथिक्स की बात करता हूं तो एक्शन का आउटकम देखा जाता है कि आउटकम क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है मोटिव क्या है तो टू कंट्रोल कंट्रोल और गेन समथिंग फॉर पर्सनल एडवांटेज है ना इसमें भी तीन स्टेज में डिवाइड कर सकता हूं द एक्चुअल आउटकम मे टर्न आउट टू बी डिफरेंट देन मोटिव है ना हो सकता है आपका मोटिव एथिकली करेक्ट ना हो लेकिन आउटकम करेक्ट निकल के आ जाए उसको मॉरल लक कहते हैं चलो कोई बात नहीं उसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे बाद में तो मोटिव टू इंफ्लुएंस द बिहेवियर फॉर द कॉमन गुड फॉर पॉजिटिव आउटकम ट्रांसपेरेंसी यहां नहीं यहां पे नहीं होती क्योंकि हिडन मोटिव है आप कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं करते हो इंफॉर्मेशन का जब आप किसी को मेनिपुलेट कर रहे होते हो तो सिलेक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे होते हो ताकि आपका मोटिव निकले जबकि जब आप कर रहे हो तो आप एक ओपन कॉन्वर्सेशन करते हो सारे फैक्ट्स उसके सामने रखते हो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी को मान लीजिए स्मोकिंग करने से रोकना है ठीक है उसका परपज मुझे अच्छा लग रहा है क्यों क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये हेल्थ जो है आई वॉन्ट टू सेव समेटिंग कैंसर है ना आई वॉन्ट टू सेव समन फ्रॉम गेटिंग अनहेल्दी ये मेरा मोटिव है तो मैं उसको बता दूंगा भाई कि यह जो चीज है इससे तेरा कैंसर का रिस्क है, है ना और तू मर सकता है इसलिए यह एक्टिविटी मत कर दिस कुंड वन स्ट्रेटेजी ऑल्सो दिस मे नॉट वर्क बट इफ आई एम मेनिपुलेटिंग द पर्सन माई ऑब्जेक्टिव माइंड भी फॉर द पर्सन टू गेट हुक डॉन्ट टू समिंग एल्स रादर देन For the health purpose, I I want want to to change that person's habit. I want him to get hooked to uh, energy drink or any other product. कि यार ये मत पी तू ये पी इसमें हेल्थी रहेगा तो इसमें क्या हुआ इसमें मैंने उसको स्विच करवाया इसलिए क्योंकि मैं एल्कोहल कंपनी का मैनेजर हूं समझ रहे हो तो दिस इज मैनिपुलेशन जब आप अपने ग्राहक को अपने कंज्यूमर को या किसी भी व्यक्ति को लिमिटेड इंफॉर्मेशन देके है ना और आज के टाइम पे सोशल इंफ्लुएंस इंफ्लसिंग के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट है डिफरेंस जानना बिटवीन मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन एंड सो में विदहोल्ड की जाती है इंफॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन से जनरली नेगेटिव फॉलोट क्रिएट होता है जो बंदा मैनिपुलेट हो रहा होता है उसके अंदर तो गिल्ट फियर शेम आता है जबकि में पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं कंसेंट नहीं ली जाती है

शायद यूज करते अल्कोहल शायद यूज़ यूज़ करते करते हो, हो, बट ये एक दो रुपए का गुटका तो नहीं खाते होंगे लेकिन बेचते तो हैं, है, है ना एंड <laughs> अगर मैंने पॉजिटिव परजुवेशन का एग्जाम्पल देना है तो मैं स्वच्छ भारत मिशन का दरवाजा बंद कैंपेन के बारे में बताऊंगा जिसमें जनता को ही जागरूक किया जाता है कि

कुछ एग्जाम्पल है जहां पे वोटिंग को प्रमोट करने के लिए या इलेक्शन कमीशन का कोई भी आप एक्शन हो उसको आप कह सकते हो कि यहां पे एथिकल वोटिंग प्रमोट करने के लिए परसुएड किया जा रहा है लोगों को ठीक है तो परसुएशन और मैनिपुलेशन में डिफरेंस है ये डिफरेंसेस हमने जनरेट कर दी अब आप मुझे बताएंगे कि कंक्लूजन कैसे होगा लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर कहता क्वेश्चन कहता है विच क्वालिटीज कैन हेल्प सिविल सर्वेंट्स बी मोर परसुएसिव तो आपने जितने भी बेसिक स्किल्स सिविल सर्वेंट्स के पढ़े होते हैं एथिक्स में वो सारे चिपका दो इंटेग्रिटी एम्पैथी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए एक्सपर्टीज चाहिए है ना है बनना नाजुएस करना है किसी को तो इसके लिए आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए क्योंकि आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो आप में एम्पैथी होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर इज गोइंग थ्रू एंड देन कनेक्ट विद दैट पर्सन आप में कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए आई थिंक सिविल सर्वेंट छोड़ो हर व्यक्ति में ये स्किल्स होने चाहिए है ना हम क्यों सिविल सर्वेंट्स को ही एक हायर पेडिस्टल पे रखते हैं हर व्यक्ति में ये स्किल्स होने चाहिए जिसके थ्रू दैट पर्सन कैन बिकम मोर वो persuasive बनेगा तो इसका मतलब उसका ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा मैनिपुलेटिव होगा तो ऑब्जेक्टिव गलत होगा अब कंक्लूजन आप दो लोगों के हवाले कर देता हूं मैं हर हमेशा की तरह आप मुझे कंक्लूजन बताओगे इस क्वेश्चन का कैसे लिखना है अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो वॉन्ट टू डिस्कस दैट आर लास्ट बैच फॉर मेन्स मेन्टोरशिप है आंसर राइटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड ऑफ दिसंबर इसका मैंने शेड्यूल मंडे को एक वीडियो में शेयर किया था आप वो वीडियो देख लीजिएगा कि ये शेड्यूल किस प्रकार से चलेगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर जो आप क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे उन आंसर्स को मैं इवेलुएट करूंगा साथ ही साथ आपको वन ऑन वन सेशंस के थ्रू आपकी प्रोग्रेस मॉनिटर की जाएगी दो हफ्ते दो महीने के अंदर अंदर यानी एट वीक्स के अंदर अंदर हम जनरल स्टडीज के आंसर्स कैसे लिखने हैं उन पे क्या चीजें वैल्यू एडिशन के तौर पे ऐड करनी है किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं आंसर राइटिंग को और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या अलग अलग स्ट्रैटेजीज होगी ये भी डिस्कस करेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप यहां आ सकते हैं और कंक्लूजन लिखना मत भूलिएगा कि इस एथिक्स मेनिपुलेशन वाले क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या होगा धन्यवाद